ये कुछ ऐसा स्टेडियम दिख रहा है। तो आज अपन फाइनली रणजी का मैच देखने जा रहे हैं। स्पिनर हेलो इंटरनेट कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 11th of February और मैं एक्चुअली जैसे कि मैं क्रिकेट कवर करता रहता हूँ, वैसे ही आज पुणे में एक रणजी का मैच है, महाराष्ट्र वर्सेस विदर्भ। आज मैच एक्चुअली 9th of February को स्टार्ट हुआ था और आज तीसरा दिन है। तो मैं जस्ट अभी स्टेडियम के बाहर हूँ, बस एंट्री करते हो फिर आपको सीधे अंदर मिलते हैं। तो भाई लोग एंट्री तो हो गई है अपनी। ये कुछ ऐसा स्टेडियम दिख रहा है। वर्ल्ड कप के टाइम पे तो पूरा शेड किया होता है, इधर ब्लैक पर्दे इधर ब्लैक पर्दे। अभी देखते कहाँ एंट्री मिलती है अपने को। भाई अब ऐसा टाइमिंग का बहुत क्रंच है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा ही है, मुझे बाकी काम भी करने। तो आज अपन फाइनली रणजी का मैच देखने जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। भाई पता नहीं कैसा प्लेयर्स को अभी तक तो टीवी पे ही देखा है, हालांकि इन प्लेयर्स को तो मैंने टीवी पे भी नहीं देखा, बट ठीक है आ गए स्टेडियम में। और ये कुछ महाराष्ट्र वर्सेस विदर्भ थर्ड डे है और आई गेस स्कोरबोर्ड अभी दिख नहीं रहा मुझे, बट देखते नीचे जाके। भाई साहब विदर्भ का डगआउट पूरा फुल चेयर करता हुआ, यहाँ पे विदर्भ के प्लेयर्स और इधर मैच चालू है। स्कोर तो नहीं दिख रहा मुझे बट देखते हैं। और हितेश बालुंजे बॉलिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र के, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और बॉल आ गया। कौन है भाई, कौन है, प्रदीप दादे। विदर्भ वाला विदर्भ ऑल आउट हो गया। ये महाराष्ट्र की सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गई है और जो विदर्भ ने टारगेट दिया है वो अराउंड 320 कुछ तो भी टारगेट दिया है। और महाराष्ट्र का ओपनिंग पेयर ओहो
पंच हो गया विद महाराष्ट्र की सेकंड इनिंग और स्कोर बोर्ड है 8 रन 6 ओवर के बाद और ये सारे प्लेयर्स लंच के लिए आते हुए और अभी तो भाई अपडेट ऐसा है कि लंच ब्रेक हो चुका है महाराष्ट्र सेकंड इनिंग में 8 ओवर में 6 रन बनाए टारगेट कुछ तो 320 प्लस दिया है विदर्भ ने और टारगेट तो नहीं लीड है विदर्भ की 320 रन की कुछ तो पॉसिबिलिटी तो 60-40 पॉसिबिलिटी है 60% महाराष्ट्र ड्रॉ करा सकता है और 40% विदर्भ जीत सकता है अभी देखते हैं क्या होता है बाकी अपडेट तो जियो सिनेमा पे देख लेंगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि बोरिंग हो रहा था आपको बहुत टाइम चाहिए मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो देख के हो गया 1 घंटे में जितना देख सकता था मैंने देख लिया हालांकि केदार जाधव करुण नायर देख लिया जो इंडिया के लिए खेले वो प्लेयर्स भी थे यहाँ पे तो वॉज अ गुड एक्सपीरियंस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मैच में तब तक के लिए बाय।